आरोग्याचा मंत्र जोपासणाऱ्या पतंजली योग समिती व अन्नास टेम्पल हिल ग्रुपच्या माध्यमातून झुलेलाल मंदिर येथे सुमारे 100 साधकांनी व टेम्पल हिल ग्रुपच्या सदस्यांनी एकत्र येत विविध प्रकारचे योगासने केली. यावेळी पतंजली योगपीठाचे नाशिक जिल्हा विभागीय अधिकारी सुदेश आमेसर, राजू फल्ले, ज्योती दलवाणी आदी उपस्थित साधकांकडून विविध प्रकारच्या आसनांची माहिती देत प्रात्यक्षिके करून घेतली. देवराजू वीरमुतू यांनी सलग 2 तास प्राणायामाचे सादरीकरण केले, तर प्रेम चव्हाण या 12 वर्षाच्या मुलाने संगीत योगाच्या माध्यमातून कठीण आसनांचे सादरीकरण केले. जैसे कि आप जानते हैं कि यूएनओ में मोदी जी ने जो प्रस्ताव रखा था इस योग का, सबसे जल्द में जल्द उनका ये प्रस्ताव पास हुआ और दुनिया भर के जितने भी देश थे उन्होंने इस प्रपोजल को जो है पास किया. आज 5वां साल है योग का. दुनिया में कंट्री में अलग अलग कंट्रीज़ जो है 150 कंट्रीज़ है वो 21 जून को योग करती है. 21 जून इसलिए चुना गया है कि ये सबसे बड़ा दिन है. जो आप दिन भर में कहीं भी घर घर में कहीं भी मोहल्ले में जाके आप योग करा सकते हैं. जानते हैं सब के आजकल जो है योग से इतने लाभ हो रहे हैं. योग से हमारे स्ट्रेस का प्रॉब्लम रहा, पेट का प्रॉब्लम ना रहा, शरीर के अंग का कोई भी प्रॉब्लम रहा वो पूरी तरह से योग से ठीक होता है. यहाँ तक के अभी जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी इस योग को मानते हैं. जब कोई बीमारी अगर ठीक नहीं होती थी तो वो योग की सलाह देते, अब सब डॉक्टर्स योग करने के लिए बताते हैं. आज देवळाली कॅम्प येते, 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यात येत आहे. येथील आमचे मार्गदर्शक योगाचे शिक्षक सुदेश तसेच राजूभाई फल्ले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज झुलेलाल मंदिरामध्ये योग दिवस साजरा केला. खरोखर खूप आनंद झाला की आज आमच्या अन्ना ग्रुपचे सर्व सदस्य तसेच सर्वात जास्त महिला वर्ग इथे उपस्थित आहे. खरोखर या योगामुळे सर्वांचं आरोग्य सुखी राहील, आरोग्य समृद्ध आणि सगळं भरभराटीत जाईल. त्यांना योगा से सारी बीमारी जाती है. मुझे भी बहुत सारी बीमारी थी, सारी बीमारी गई. गांठ थी तो दोनों पिघल गई. डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करने पर, यो सर ने बोले बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करना, योगा. योगा आई तो मेरी सब गांठ सारी बीमारी चली गई. और योगा बहुत अच्छी चीज़ है, सबने करना चाहिए. जब मेरे को बहुत ऐसा सुस्त लगा, अभी इधर आने के बाद जो मैंने योग किया उसके बाद बहुत मेरे को फ्रेश लग रहा है, और जो सुस्ती थी बिल्कुल गायब हो गई मेरी.